है भाई, जाके देखो, क्या पता मम्मी उसको बोली होगी यार जा पतंजलि आटा ले आओ, तो चप्पल पहन के गया होगा दुकान पतंजलि आटा लेने। अब दुकान वाला बोला हुआ है, सुनो सुनो सुनो, पतंजलि आटा के साथ ये पतंजलि मैगी फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमन सौरभ ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्यों अधिकतर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल नहीं पाता है, मतलब चल ही नहीं पाता है, दम तोड़ देता है। ठीक है, कुछ महीने चला, कुछ दिन चला या कुछ साल चल गया, लेकिन वो दम तोड़ ही देता है। तो क्यों ऐसा, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग सच में लॉन्ग डिस्टेंस वाले ही हो। ठीक है, मतलब अधिकतर लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में ही है, समझ रहे हो। पूरा वीडियो देखना, और ये वीडियो देखते ही ठीक है एकदम मारो, एकदम लाइक सब्सक्राइब और लाइक मार दो एकदम। 150 टारगेट रखा हूँ, 150 लाइक होना चाहिए। ठीक है, मेरे को भी हिम्मत आती है। ठीक है ना, सुनिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जानो। अब ये नहीं कि सर कितना किलोमीटर नापेंगे जो बोलेंगे इतना किलोमीटर के बाद लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है। मोटा मोटी आप ये समझो कि अगर एक शहर के ही हो तो वो आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस में आते हो, मतलब आसपास के हो। ठीक है, लेकिन अब शहर ही अलग है, ठीक है, तब समझो कि भाई आप लोग दूर के हो। अब मान लो कोई बंदी है कानपुर की, बंदा है लखनऊ का, तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन मान लो कि मैं, मेरी बंदी दिल्ली में ही रह रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब अलग बात है वो शहर कितना भी बड़ा है, लेकिन है तो एक ही शहर का ना, तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस में ही मानते हैं। ये मेरा अपना पैरामीटर है, ऐसा नहीं होता है कि 7.5 किलोमीटर के अंतर्गत जो आया वो शॉर्ट डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। एक शहर की हो तो ठीक है, समझ रहे हो। सुनो, ये बात बिल्कुल सच है भाई कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल नहीं पाता है, लेकिन अधिकतर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टूट जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस हैं, वो चल रहा है अच्छे से, समझे, लेकिन ज़्यादातर नहीं चल पाता है। ठीक है भाई, देखो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले रीज़न जानो, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या उपाय है। ठीक है, रीजन जानो कि क्यों होता है। भाई सुनो, आपको ये पता है ये कलयुग चल रहा है, ठीक है, यहाँ जो डेली मिलना जुलना जिनसे होता है, ठीक है, दो पार्टनर का एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, सो उनका तो ब्रेकअप ही हो रहा है, तो आप लोग तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हो। मिल भी रहे हो तो एकदम साल में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो भाई वो अफेक्शन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आप किसी को देखते हो, जीता जाता देखते हो, साक्षात देखते हो अपने आंखों के सामने, तो वो हमेशा जहन में चिपका रहता है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, चलता है भाई, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, उसकी सोच क्या है, आपका नियत क्या है, उसका नियत क्या है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं, गर्लफ्रेंड जर्मनी में रहती है और लड़का दिल्ली में है, चल रहा है 4 साल से चल रहा है, अभी गारंटी नहीं कि वो दिल जर्मनी में किसी के साथ घपाघप कर रही है कि नहीं, या ये दिल्ली में घपाघप कर रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है जो भी है वो उन लोगों का चल रहा है अच्छा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप भी हैं। ठीक है, तो भाई देखो इंसान पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि हम लोग के डिज़ायर बहुत होते हैं कि यार मेरे को मिलना है या ये नहीं करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब कोई बंदी मेरे से डेली मिल रही है तो मैं उसका फ़ोन भी चेक कर सकता हूँ कि दिखाओ किससे चल रहा है, या उसके बात करने का तरीके से, उसका उसका आंख देखने से, डेली उसकी आंखों से पता चल जाता है झूठ तो नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है ना, आप समझ रहे हो, उसके एक्सप्रेशन से। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में साला वो चेहरा ही नहीं बन पाता है आपके मन में कि यार क्या कर रहा होगा ये, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, ये तो नहीं चल रहा है, वो तो नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी बंदी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कहीं वो उस राहुल से तो बात नहीं कर रही है, अरे भाई जाके देखोगे ना तो अभी बर्तन धो रही होगी, समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि उसका कहीं चैटिंग तो नहीं कर रहे राहुल से, अरे आपको नहीं पता घर में पोछा लगा रही है, समझ रहे हो। अब बहुत सारी लड़कियां मेरे को बोलती है सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं वो कोमल के साथ ये गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहा है। ठीक है भाई, जाके देखो, क्या पता मम्मी उसको बोली होगी यार जा पतंजलि आटा ले आओ, तो चप्पल पहन के गया होगा दुकान पतंजलि आटा लेने। अब दुकान वाला बोला हुआ है सुनो सुनो सुनो, पतंजलि आटा के साथ ये पतंजलि मैगी फ्री है, समझ रहे हो। इसलिए बिना कन्फर्म के भी हम लोग बहुत डाउट करने लगते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में।
आज के डेट में सहन शक्ति नहीं है, ठीक है। और रिलेशनशिप हम लोग मतलब इतने लोगों का देखते हैं कि अरे मेरी सहेली का ब्रेकअप हो गया, या इतना सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल जैसा ये टैबू वाली चीज़ें देखते हैं कि अरे इतना अफेयर, अरे सास बहू में हो जाता है, ससुर दामाद में हो जाता है, कज़न में हो जाता है, भाभी देवर में हो जाता है, अरे यार कहीं मेरी बंदी ना ठुक जाए, मेरा बंदा ना ठुक जाए, ओ माई गॉड। ये ठीक है, ये डर जेन्यून है, ठीक है, लेकिन साला बिना कन्फर्म किए हम लोग क्या है लड़ाई कर देते हैं कि तेरा चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब आपको तसल्ली फिर भी मिलता नहीं है क्योंकि पार्टनर आपसे रेगुलर मिल ही नहीं रहा है। एक जो फेस टू फेस जो डिस्कशन होता है ना बैठ के, ठीक है, थोड़ा साथ थोड़ा घूमना फिरना, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन आप लोग मिलते नहीं हो, ठीक है, मिलना जुलना कम होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस चलता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे भी, समझ रहे हो। अब देखो मतलब इसलिए नहीं चल पाता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी तीन तरह का होता है मेरे ख्याल से। एक ये होता है कि कभी मिले ही नहीं है, ऑनलाइन वाला कभी मिले नहीं है। एक ये होता है कि बीच बीच में मिलते रहते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब बीच बीच में मिलते रहते हैं। और एक ये है कि एकदम मतलब साल में एक बार मिल रहा है। तीन तरह का होता है भाई, एक तो कभी मिले ही नहीं है, शकल तक नहीं देखे हैं, ठीक है, दूसरा ये होता है कि रेगुलर मिलते रहते हैं, और तीसरा ये होता है कि छः महीने पे एक बार मिले, साल में एक बार मिले, ठीक है। वो वीडियो कॉल को शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप मत बोल देना कि नहीं यार डेली वीडियो कॉल होता है, वो तो शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। ये जीता जाता शरीर का जो ढांचा, ये सामने होना जरूरी है, जो साक्षात रूप बोलते हैं, तभी बोलो कि हाँ शॉर्ट डिस्टेंस है, समझ रहे हो भाई। लोगों में सहन शक्ति नहीं है, हर इंसान तसल्ली पाना चाहता है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मुझे अपडेट देना है। ऑब्वियस ही बात है, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाता है। बकचोदी डेली मिलने वाले पार्टनर में भी हो रहा है, समझ रहे हो, लेकिन तो सोचो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या इनसिक्योरिटी होती होगी, ठीक है, मतलब भाई इसलिए नहीं चल पाता है। प्रूफ तो है नहीं कि आपकी बंदी किसके साथ घूम रही है, ठीक है, तो या बंदा किसके साथ घूम रहा है, तो ऐसे ही सोच सोच के एकदम कुछ आपको चाहिए सवाल का जवाब, आप उल्टा सीधा पूछते हो सवाल, तू किससे चल रही, दिखा दिखा किसके साथ फोटो डाली, कौन है इंस्टाग्राम, तू प्राइवेट क्यों की है पब्लिक कर, दिखा दिखा कौन है ये, राहुल कौन है ये, रोहित कौन है, समझ रहे हो ना, इसी में लड़ाई झगड़ा होता है। अब क्या है कि आप पार्टनर से तो बराबर मिलते नहीं हो, तो उतना अफेक्शन नहीं जुड़ पाता है, तो उतना एक टाइम इंटरेस्ट घट जाता है। अब भाई मान लो मैं अभी मुंबई में हूँ, ठीक है, मान लो मेरी कोई बंदी एकदम रह रही है दिल्ली में, अब बताओ यार मैं कितना भी प्यार करूँगा उस हिसाब से तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मिलना जुलना हो ही नहीं रहा है। अब वही दिल्ली में उसी के ऑफिस में काम करने वाला कोई छपरी लौंडा निब्बा ने छपरी मान लो कोई भी पटा लेगा। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की मेरी बंदी का कैरेक्टर खराब है, कैरेक्टर की अच्छी होगी, ठीक है, तब तो किसी से नहीं पटेगी, या लड़का अगर कैरेक्टर का अच्छा होगा तो भाई नियत का अच्छा हो किसी से नहीं पटेगा, लेकिन कलयुग चल रहा है, कहीं ना कहीं साला इन्फ्लुएंस हो जाता है लोग, समझ रहे हो, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। और हम लोग में भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग से गलती हो ही नहीं सकती है, होती है भाई, आप लोग भी संभाल नहीं पाते हो, ठीक है, किससे बात करें, ये करिए, तरह चक्कर चल रहा है, मुझे पता है मुझे गाली गलौज एकदम लॉन्ग डिस्टेंस, आपको क्योंकि तसल्ली चाहिए। लॉकडाउन में क्या हुआ था, क्यों लॉकडाउन में मेरा चैनल तो लॉकडाउन में थोड़ा ग्रो हुआ था, क्यों लॉकडाउन में भाई कॉल बुकिंग मेरी बहुत हो रही थी लॉकडाउन में, क्योंकि मिलना जुलना तो था नहीं, तो हर शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप भी सारा लॉकडाउन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था, ठीक है, मिलना जुलना तो था नहीं, एकदम इनसिक्योरिटी ब्रेकअप हुआ, वो इतना हुआ कि कॉल बुकिंग बहुत हो रही थी मेरे को, ठीक है। अब मेरा तो उतना बड़ा सब्सक्राइबर वाला चैनल है नहीं, सोचो जिनका बहुत ज़्यादा लाखों में होगा उनको तो एकदम कॉल बुकिंग हो रही होगी, तो दबा के मेरे को पैसे, मैंने तो पैसे कमाए थे, समझ रहे हो, तो वही मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं चल पाता है, सह नहीं पाते हो आप लोग, और आपका पार्टनर भी सह नहीं पाता है, वो दिख ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है, अब इसी में लड़ाई झगड़ा ये वो दिस डैट, उतना इंटरेस्ट बन ही नहीं रहे। आप सज धज के आप फोटो डाल रहे हो तब जाके इंस्टाग्राम में देख रहा है, लेकिन सज धज के सामने दिखाओगे या वो सामने आपका पार्टनर आपको दिखेगा तभी तो एक अलग तरह का वो आता है ना, ओ माई गॉड मस्त लग रही है, तो इस वजह से नहीं चल पाता है,
समझ रहो, लेकिन एकदम चल ही ना पाए ऐसा नहीं होता है, चलता है, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ उपाय क्या है। सुनो भाई, लाइक ठोक देना, 150 लाइक होना चाहिए, अभी भी नहीं कि देखते हुए जा रहे हैं लाइक नहीं, एकदम ठोको लाइक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उपाय क्या है। सुनो भाई, सबसे पहले उपाय ये है कि आप भले अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको अपने बात करने का तरीका ऐसा रखना चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे। कभी भी चुभने वाली बात मत बोलो, गाली गलौज देके बात मत करो, प्यार से बात करो। प्यार से बात करना मतलब ये नहीं कि एकदम उतावलापन, डेस्परेट होके बात करो कि मुझे बात करना, मेरे को मन नहीं लग रहा है, ये वो, इस तरह का बात मत किया करो, नहीं तो सस्ता लगोगे। आपसे आप मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाओगे ना, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देगा, ठीक है। और एक और चीज, लुक्स को थोड़ा अच्छा करो, क्योंकि आपको पता है जब दूर में हो तो बांधने के लिए थोड़ा शो ऑफ भी करना पड़ता है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल मीडिया। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब पे स्टेटस, स्टोरी, डीपी चेंज, ये सब करते रहना होगा। अच्छा अच्छा पोस्ट डालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैरियर से हाथ धो लो, जो स्टूडेंट है पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो जॉब कर रहे हैं आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सॉरी जॉब पे फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन अब बहुत लोग क्या ना एकदम जीरो पोस्ट डालते हैं, कोई डीपी नहीं लगाते। अरे ऐसे नहीं होता है, आप डीपी हटा दोगे तो क्या पढ़ाई हो जाएगा क्या? सोशल मीडिया यूज़ करो, 5-10 मिनट काफ़ी है, हफ्ते में एक पोस्ट डाला करो। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दूर से ही आप इंटरेस्टिंग लगोगे, आपकी बंदी या आपके बंदे को भी लगेगा ओ माय गॉड आज ये फोटो डाला, तो गौर से देखेगी, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेगी भाई। कुछ लोग एकदम जो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं भाई, आप लोगों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए। देखिए फोटो डालो, ये डालो। अब एक कोई लड़का था, बोलता सर फोटो नहीं डाल पाएंगे, मैंने बोला क्यों सर, बाल ही नहीं है। मैं बोला भाई एक चीज़ बताओ, आप खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, क्या होगा, टकला ही तो दिखेगा। आप क्या शादी नहीं करोगे कभी, ऐसे क्लिक करो, नहीं तो हैट पहन के ये करो। मैं तो बोलता टकला भी हो ना भाई, एकदम भाई कैसे भी शक्ल हो, कॉन्फिडेंस रखो, क्या होगा, है ना, जिंदा हो ना भाई, शक्ल सूरत से क्या मैटर करता है। ऐसे सेल्फी डालो, फिल्टर वोटर लगा लो, मारो एकदम डीपी चेंज, थोड़ा लगे दिखाओ कि मैंने डीपी चेंज किया है, इंटरेस्टिंग बनो। और कैरियर वाइज भी आपको अच्छा रहना है, लुक्स वाइज भी काम करो, कैरियर वाइज भी काम करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चुभने वाला बात मत बोलो। कितने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोगों को बात करने का तरीका नहीं है, कुछ भी बक देते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज। प्रूफ तो है नहीं, उनको लगता है मेरी बंदी ठोक रही होगी, उनको लगता है मेरा बंदा ठोक रहा होगा। अब इसी चक्कर में एकदम मतलब क्या बोलो, इतना टॉक्सिक कर लेते हैं। और बहुत केस में आप लोग का भी गलती होता है, ठीक है, पार्टनर तो चुतिया होता है, लेकिन बहुत केस में आप लोग भी नहीं संभाल पाते हो, ठीक है। तो वही मैंने बोला क्या रीजन है और उपाय क्या है, वो मैंने बताया। इंटरेस्टिंग बने रहना होगा कुछ भी करके, लुक्स पे काम करो चाहे जो भी हो, बात करने में, ठीक है। कहीं ना पेपर में आपका कहीं फोटो आ गया भाई, आपका बंदा या बंदी पगला जाएगा, ओ माय गॉड इसको तो प्राइज मिला, इसको तो ये मिला, ये तो एनजीओ में कंट्रीब्यूट करता है, समझ रहे हो। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना है तो इंटरेस्टिंग बनाए रखना होगा। अब आप लोग पूछोगे नहीं सर मैं तो इंटरेस्टिंग बहुत था, मैं तो मेंटेन किया था, लेकिन फिर भी वो दूसरे के साथ चला गया। वो इसलिए क्योंकि जो वो दूसरे के साथ जिसके साथ वो गया वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप लोग नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, कुछ भी रीजन कुछ भी होता है ना तो उसका कारण होता है, बिना कारण का ब्रेकअप नहीं होता है, इसलिए सच्चाई को अपनाइए, ठीक है भाई और भाइयों की बहनें। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। उम्मीद क्या करूँ भाई, पसंद आना ही चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। एकदम ठोको लाइक, 150 होना चाहिए, और 200 मार दोगे तो भाई क्या मैं बोलूँ, ठीक है। और आप लोग के लिए मैं दुआ करूँगा, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, इवन शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, आप लोग का कभी ब्रेकअप ना हो भाई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो काफ़ी गैप के बाद वीडियो बनाया, सॉरी थोड़ा बिजी था कुछ काम से लेके, ठीक है। डायरेक्टली अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो भाई कॉल बुक करो भाई, देखो कुछ पैसे खर्च करने में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बोलते हो पार्टनर के लिए मैं जान दे दूंगा, जान नहीं देना है मेरे दोस्त, चुपचाप कॉल बुकिंग करो, कुछ पैसे दे दो, समझ रहे हो, अच्छे से टिप्स आपको मिलेगा। और एक और चीज, डायरेक्ट आप लोग कॉल करने लगते हो भाई, वो सिम कार्ड एक फ़ोन में रख के ऊपर रख दिया गया, वो रिंग होते रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और सच में परेशान है तो कॉल बुक लीजिए, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ, टाइम नहीं दे पाऊँगा, मेरे को खुद खाने का टाइम नहीं है,
चीज को समझो। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर 2 मिनट, सर सिर्फ 2 मिनट में बता दो। 2 मिनट में यार आप अपने ही रिलेशनशिप को मजाक में ले रहे हो। 2 मिनट में ना मैं आपका स्टोरी सुन पाऊंगा, ना मैं कुछ टिप्स दे पाऊंगा। 2 मिनट मुहावरा के लिए सही है। अगर सच में जेन्युइनली आप चाहते हो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, कॉल बुक कीजिए, एक बार करके देखिए। समझ रहे हो, मेरे पास अगर 100 घंटा होता ना एक दिन का, तो मैं सबसे फ्री में बात कर लेता। मैं भी मजबूर हूँ, ठीक है जी। और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैसेज करना है कर सकते हो, फ्री में टिप्स थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो और मेरा सारा वीडियो देखो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलो टेक केयर, गुड बाय।